आज खुलासा है देश भर में आई बाढ़ की स्थिति पर। देश का लगभग समूचा पूर्वी हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। कुछ समय पहले पश्चिमी हिस्से में बाढ़ आई थी। पानी के लिए तरसने वाले गुजरात और राजस्थान में भारी बाढ़ आई थी। उसके बाद पूर्वी भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश से बाढ़ की शुरुआत हुई, जो अब उत्तर प्रदेश और बिहार को अपनी चपेट में ले चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। उन्हें राहत शिविरों में रखा गया है। स्थानीय एजेंसियों के साथ एनडीआरएफ की टीम बचाव और राहत कार्य में जुटी है। देश के कई राज्यों में हर साल बाढ़ आती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगस्त और सितंबर का महीना बड़ी आपदा वाला होता है। कई नदियां इन दोनों राज्यों से होकर बहती हैं और हर साल उनमें बाढ़ आती है। इस साल भी बिहार में कोशी, कमला, बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों में उफान है और लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा आदि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई गांवों में पानी घुसा हुआ है। लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी मर रहे हैं या पानी में बह रहे हैं। सवाल है कि जब हर साल इन नदियों में बाढ़ आती है और लोग मारे जाते हैं, विस्थापित होते हैं, फसल नष्ट होती है, तो इसे रोकने या इसके असर को कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता। भारत में पीने के भी पानी की कमी है और सिंचाई के लिए भी पानी नहीं है, फिर भी जल प्रबंधन और बाढ़ की आपदा रोकने की कोई ठोस नीति नहीं है। भारत में जितनी बारिश होती है, अगर उसके पानी के प्रबंधन का इंतजाम हो और पहाड़ों से आने वाले पानी को सही चैनल के जरिए संभाला जाए, तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। भारत में पानी के प्रबंधन की कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं है और न नदियों के पानी के बंटवारे का कोई स्पष्ट फॉर्मूला बना है। तभी ज्यादा बारिश होने पर कई राज्य अपने बांध खोल देते हैं, जिससे दूसरे राज्यों में बाढ़ आ जाती है, और गर्मियों में पानी कम होने पर पानी रोक लेते हैं, जिससे दूसरे राज्यों में सूखे के हालात बन जाते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच भी होता है और दिल्ली और हरियाणा के बीच भी होता है। सबसे पहले केंद्र सरकार को राज्यों की सरकारों को भरोसे में लेकर जल प्रबंधन और नदी जल के बंटवारे का ठोस और स्पष्ट फॉर्मूला बनाना होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम जैसे सीमावर्ती राज्यों को नेपाल और चीन के साथ भी समझौता करना होगा, ताकि वे मनमाने तरीके से पानी छोड़ने या रोकने का फैसला ना कर सकें। बिहार में इस साल आई बाढ़ में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 70 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। कभी पश्चिम बंगाल की ओर से पानी आता है तो कभी नेपाल से और पहाड़ों से पानी गिरता है। बारिश ज्यादा हो तो बाढ़ का संकट ज्यादा गहरा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण नदियों की सफाई नहीं होना है। खुद राज्य सरकार ने माना है कि गाद जमा होने से नदियों का तल ऊपर हो गया है, जिससे जरा सा पानी बढ़ते ही बाढ़ आ जाती है। अगर नदियों से गाद निकालने का काम ठीक तरीके से कर दिया जाए, तब भी बाढ़ की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू कराई थी। सुरेश प्रभु को इसका प्रभारी बनाया गया था। यह परियोजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। वैसे देश के पर्यावरणविद नदियों को जोड़ने की परियोजना को खतरनाक मान रहे हैं। हो सकता है कि उनका अंदेशा सही भी हो, लेकिन नदियों का पानी बर्बाद ना हो और बाढ़ की आपदा भी नहीं आए, इसके लिए किसी न किसी चैनल के जरिए पानी का प्रबंधन करना होगा। इसके लिए नदियों को जोड़ा जाए, बांध बनाए जाए और पनबिजली की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, ताकि पानी का सकारात्मक इस्तेमाल हो सके।